In this video, we will study indexing in DBMS. Indexing क्या है? Indexing एक data structure technique है जिससे कि database में से easily हम records को retrieve कर सकें या fetch कर सकें. This is database. एक database है, database के अंदर कई सारी tables होंगी. उन tables से records को, rows को fetch करने के लिए we use this technique, data structure technique, which is indexing. And this is database index table, which is a small table having two columns. It can have one or more columns. So here generally there are two columns और ये एक index table है. Index table and this is database. तो database file को fetch करने के लिए हम index table की मदद से easily and quickly रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं. दैट इज, इट इज यूज टू लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन अ डेटाबेस टेबल. दैट इज, इंडेक्स टेबल इज यूज टू लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस टेबल. अब इससे क्या होगा कि इंडेक्सिंग से क्या फायदा है कि परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमाइज हो जाती है. इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस. जितने एक्सेस हम डेटाबेस से एक्सेस करेंगे वो नंबर ऑफ एक्सेसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं जब भी क्वेरी प्रोसेस होती है. ये इंडेक्स टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो है सर्च की का, और जो दूसरा कॉलम है वो है पॉइंटर या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस और डेटा रेफरेंस. सो अब ये पॉइंटर क्या करता है? पॉइंट करता है. Pointer, you already know, it points or locate, gives the address where we can find our data. ये हमारा सर्च की है. सर्च की 1, 2, सपोज देर आर रोल नंबर 1, 2, 3, 4, जिसके बेसिस पर वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड. सपोज रोल नंबर 3 के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए तो रोल नंबर 3 यहां पर इंडेक्स टेबल से, दिस इज माई सर्च की. सर्च की जो है वो इंडेक्स टेबल के लिए एज एन इनपुट काम करती है, एज एन इनपुट काम करा, और फिर रोल नंबर 3 जहां पर पॉइंट करेगी उस रिकॉर्ड को डेटाबेस टेबल से एक्सेस करें. तो जो ये सर्च की है, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो ये सर्च की है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, और ये इट इज अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी की टेबल. एक्चुअल टेबल या मेन टेबल हमारी डेटाबेस के अंदर होगी, उस टेबल की प्राइमरी की होगी, वो प्राइमरी की यहां पर उसका डुप्लीकेट कॉपी है या फिर कैंडिडेट की भी हो सकती है, विच हेल्प्स इन सर्चिंग द रिकॉर्ड. और जो सेकेंड कॉलम है इंडेक्स टेबल का, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक. एड्रेस को होल्ड करेगा जहां पर की हम पर्टिकुलर डेटा को फाइंड कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट सर्च की. तो इंडेक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया, दिस इज द सर्च की एंड दिस इज डेटा रेफरेंस. ये एक इंडेक्स है, ये सिंगल इंडेक्स है. इस तरीके से कई सारे इंडेक्स होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. लेकिन हमें इंडेक्स टेबल को मेंटेन करने के लिए एडिशनल राइट्स करने होंगे, और इस टेबल को स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो स्टोरेज स्पेस टू मेंटेन द इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर विच इज नीडेड. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. अब हम दो टाइप के इंडेक्स की बात करेंगे, दैट इज स्पार्स इंडेक्स एंड डेंस इंडेक्स. कई टाइप्स के इंडेक्स इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन अभी हम स्पार्स इंडेक्स और डेंस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे. ये हम डेंस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. इस इंडेक्स के अंदर जितनी भी सर्च की वैल्यूज हैं उनकी एंट्री मेन डेटा फाइल में होगी. दिस इज द मेन डेटा फाइल, सबकी एंट्री मेन डेटा फाइल में होगी. That is total जितने records index file में है. कितने records हैं यहां पर? 5, 1, 2, 3, 4, 5. तो main table के अंदर भी 5 records होंगे. Means हर एक search key की value, search key value जो है वो main table के अंदर present होगी. That is total number of records in the index table is same as the total number of records in the database table. ये main table की प्राइमरी की है, रोल नंबर, यूनिक वैल्यूज होंगी.
इसके बेसिस पर इंडेक्स टेबल के अंदर सर्च की वैल्यू है और इसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर अब रोल नंबर 3 का ईमेल एड्रेस क्या है, तो इंडेक्स टेबल में इसको सर्च करेंगे और जो यहां पर एड्रेस होगा उस एड्रेस पर जाकर रोल नंबर 3 की सारी डिटेल्स जो है, रिकॉर्ड जो है, फेच कर लेगा डेटाबेस। दैट इज रोल नंबर 3 का ईमेल क्या है, नेम क्या है, मार्क्स क्या है, एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अनक्लस्टर्ड। अनक्लस्टर्ड इंडेक्स क्यों है, क्योंकि क्लस्टर क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा, सिंगल वैल्यू है रोल नंबर 1 और उसकी एंट्री जो है मेन डेटा फाइल के अंदर हम जाकर फेच कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो अनक्लस्टर, कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, यूनिक वैल्यूज हैं एंड वी आर नॉट ग्रुपिंग द वैल्यूज और द सर्च कीज हेयर, सो इट इज अनक्लस्टर्ड इंडेक्स ऑल्सो। अब ये मैं स्पार्स इंडेक्स का एग्जाम्पल बता रही हूं। स्पार्स इंडेक्स में क्या होता है, मेन डेटाबेस टेबल की जितनी भी सर्च वैल्यूज हैं, सॉरी ये दो बार नहीं आएगा, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि दिस इज द मेन टेबल एंड दिस इज द इंडेक्स टेबल, ठीक है, उसको भूल जाइए, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ डेंस इंडेक्स। तो ये मेरा रोल नंबर है, तो मेन टेबल के अंदर जितनी भी सर्च वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, उन सब की एंट्रीज इंडेक्स टेबल में नहीं होगी, सारी वैल्यूज को इंडेक्स नहीं किया जाएगा इंडेक्स टेबल के अंदर। स्पार्स इंडेक्स में ऐसा होता है, सारी एंट्रीज नहीं होंगी इंडेक्स टेबल के अंदर, सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड एंट्रीज होंगी इंडेक्स टेबल के अंदर। सर्च वैल्यू है ये पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट करेगी, 3, then 5। सपोज रोल नंबर 1 के हमें डेटा चाहिए, तो रोल नंबर 1 इस एड्रेस से यहां पर आ जाएगा और पूरी वैल्यूज उसकी फेच कर लेगा रिकॉर्ड को, कि उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है एंड सो ऑन। सपोज की रोल नंबर 2 की डिटेल्स चाहिए, तो इट विल बी लुक्ड अप लाइक दिस कि रोल नंबर 2 इज बिटवीन 1 एंड 3, तो मींस कि 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, इस ब्लॉक के अंदर होगा जहां पर कि 1 पॉइंट कर रहा है, रोल नंबर 1 यहां से ये गया डेटा ब्लॉक के पास, पूरा का पूरा एक ब्लॉक होगा। अब यहां पर सीक्वेंस में वो चेक करेगा कि इसमें ही इसी ब्लॉक के अंदर रोल नंबर 2 होगा एंड इट विल चेक इन सीक्वेंस। मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रही हूँ डेंस इंडेक्स, स्पार्स इंडेक्स और इंडेक्सिंग का। फर्दर वीडियोस में मैं डिटेल में शो करूंगी द वेरियस इंडेक्सिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंस एंड स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स के अंदर जितनी भी सर्च वैल्यूज हैं, जितनी भी सर्च वैल्यूज हैं डेटा फाइल के अंदर, मेन डेटा फाइल के अंदर, उन सब की एंट्रीज होगी इंडेक्स फाइल के अंदर। लेकिन स्पार्स इंडेक्स में कुछ ही सर्च वैल्यूज की एंट्रीज होगी इंडेक्स फाइल में, सारी सर्च की वैल्यूज की एंट्रीज इंडेक्स फाइल में नहीं होती है। तो इंडेक्सिंग के एडवांटेजेस क्या होंगे, इंडेक्सिंग के एडवांटेजेस होंगे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम सर्च करना पड़ेगा। कम सर्च कैसे करना पड़ेगा कि हम इंडेक्स टेबल पर बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, देन इस तरीके से, तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं या एक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कि फास्टर स्पीड विल इंक्रीज, फास्टर एक्सेस होगा। बट डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इंडेक्स टेबल को अलग से बनाकर स्टोर करना पड़ेगा, तो इट विल ऑक्यूपाई स्टोरेज स्पेस, राइट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए इंडेक्स टेबल में। और अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं की गई है, पुअरली डिजाइन इंडेक्स टेबल है, तो इट मे रिजल्ट इन रॉन्ग आउटपुट्स। इंडेक्स में 2 लेवल होते हैं, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सिंगल लेवल इंडेक्सिंग में हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स एंड सेकेंडरी इंडेक्स। मीन्स एक ही लेवल है, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा स्पार्स और डेंस का, दिस वन, ये सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है, क्योंकि एक इंडेक्स टेबल है और वो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही है मेन टेबल को, सो दिस इज सिंगल लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल में क्या है कि जो ये हमारी इंडेक्स टेबल है इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जब ये टेबल बड़ी हो जाती है तो हम इसको भी इंडेक्स कर देते हैं, तो फर्दर इट कैन बी इंडेक्स, सो दिस इज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। वीडियोज में पढ़ेंगे सिंगल लेवल में हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर और सेकेंडरी इंडेक्स, मल्टी लेवल में बी ट्री एंड बी प्लस ट्री इन माई फर्दर वीडियोज़।